नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गुरु पर्वत से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें बताऊंगा कि अगर गुरु पर्वत के ऊपर अगर आपका क्रॉस का चिन्ह हो तो इसका क्या असर होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि गुरु पर्वत कहाँ होता है। आपकी फर्स्ट उंगली के नीचे ये जो मैंने सर्कल किया है, इसे गुरु पर्वत कहा जाता है, मतलब जुपिटर माउंट, बृहस्पति पर्वत भी इसे कह सकते हैं। इसके ऊपर देखा गया है बहुतों के हाथ में कि क्रॉस का चिन्ह होता है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि गुरु पर्वत हमारे व्यक्तित्व नेचर के विषय में भी बहुत अच्छे जानकारी देता है। साथ ही ये बताता है कि हमारा शादी जो है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, इन सब के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी देता है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर हो तो क्या मीनिंग होता है, वैसे ही क्रॉस का मीनिंग भी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट क्रॉस हो, इंडिपेंडेंट मीन्स इस प्रकार से लाइन जो है यहाँ पर इस प्रकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, इनका लाइन का जुड़ाव किसी भी पर्वत या किसी की लाइन के साथ ना हो। जैसे कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ से निकलने वाली कुछ रेखाओं को इस प्रकार से कोई रेखा काट देती है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसके साथ इस प्रकार से यहाँ पे लाइफ लाइन और यहाँ पे माइंड लाइन जुड़ा हुआ है, तो ये इंडिपेंडेंट क्रॉस नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट क्रॉस वो होता है जो पूरा इस पर्वत के ऊपर अच्छे से इस प्रकार से क्रॉस यहाँ पर बने। इसका असर ये होता है कि क्रॉस जिनके भी हाथ में गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस बनता है, देखा गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली होते हैं। इन्हें देखा गया है कि दूसरों का जो है सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, साथ ही बहुत इनका जो वैवाहिक जीवन होता है बड़ा ही सौहार्दपूर्ण होता है, मतलब बहुत अच्छा इनका मैरिज लाइफ होता है। राइट हैंड जो है पुरुष के लिए देखा जाता है और वही महिलाओं के लिए लेफ्ट हैंड। तो अगर पुरुष के हाथ में इस प्रकार से क्रॉस, इंडिपेंडेंट क्रॉस मौजूद है, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों को जो इनकी धर्म पत्नी मिलती है, वाइफ मिलती है, सर्वगुण देखा गया है कि ऐसे लोगों में जो पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की होती है बड़ी ही आकर्षित होती है। साथ ही इनको जो गुरु मिलता है लाइफ में, बहुत इनको अच्छा ज्ञान देने वाला बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही ये लाइफ में जाकर के बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, या ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, या किसी समूह का नेतृत्व करने की काबिलियत बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ बहुत अच्छे लीडर, मैनेजमेंट चलाने वाले, इस प्रकार से जो गुरु की सारी क्वालिटीज़ होती हैं वो इनको मिलती है, और ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा है ऐसे लोगों को सक्सेस मिलता है। जब भी लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात हो, खासकर लव मैरिज प्रेम विवाह की, तो गुरु पर्वत को सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि ये गुरु पर्वत पर इंडिपेंडेंट क्रॉस इस बात की निशानी है कि ऐसे लोगों का विवाह जो है प्रेम विवाह होने के चांसेस भरपूर होते हैं। ऐसे लोग प्रेम में ज़्यादा इच्छुक होते हैं, वही बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले होते हैं, और प्रेम विवाह ही ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोग करते हैं, और इनका जो विवाह है बहुत सक्सेसफुल होता है। 2-3% में देखा गया है कि इनका अरेंज मैरिज हो जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे इनको धर्म पत्नी और पति मिलता है। तो यहाँ पर क्रॉस होने का एक और मीनिंग देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी भी लाइफ में बहुत अच्छी इकट्ठा होती है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा नेतृत्व करने के साथ साथ इन्हें दूसरों का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही लाइफ में तकरीबन हर चीज़, जो भी इनकी मनोकामनाएं हैं, जो भी इनका एम है, सब चीज़ ये लाइफ में अचीव कर पाते हैं, जिसके कारण इनके पास धन की और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होती। तो इस प्रकार का इंडिकेशन यहाँ पर गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, अगर नए व्यूवर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए, और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।